शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरे ने आज थाने में आयोजित रामनवमी महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान नवी मुंबई शिवसेना के उप जिला प्रमुख दिलीप गोड़ेकर और शहर प्रमुख विजय माने समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। यहां जिला प्रमुख विठल मोरे द्वारा प्रस्तुत आलेख पुस्तिका का सांसद राजन विचारे और पालक मंत्री के हाथों लोकार्पण किया गया। देखिए रिपोर्ट। थाने में पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद राजन विचारे द्वारा आयोजित रामनवमी महोत्सव की धूम मच गई है। आज नवी मुंबई बेलापुर के शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरे ने दोनों शिवसेना नेताओं के रामनवमी महोत्सव में हाजिरी लगाई और यहां स्थापित मां दुर्गा का दर्शन किया। इस दौरान नवी मुंबई शिवसेना के उप जिला प्रमुख दिलीप गोड़ेकर और शहर प्रमुख विजय माने समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। यहां जिला प्रमुख विठल मोरे द्वारा प्रस्तुत आलेख पुस्तिका का शिवसेना सांसद राजन विचारे और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अभी मुंबई जिला शाखेचा कार्य आवारा का प्रशासन झालेला आहे। या शाखेला 25 वर्ष झाले। आदरणीय शिवसेना प्रमुखांचा आशीर्वादाने या जिल्ह्यामध्ये धर्मलाल आनंदीकर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये शिवसेना काम करते आणि नवी मुंबई जिल्हा शाखेच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक लोकाभिमुख जे उपक्रम आहे ते आयोजित केले आणि त्याचे संपूर्ण जो काही अहवाल आहे तो या पुस्तकामध्ये मांडलेला आहे आणि शिवसेनेचा आलेख देखील कसा चटपट आलेख आहे त्याचा देखील या ठिकाणी कार्याच्या म्हणजे उपक्रमांच्या माध्यमातून ते देखील दर्शवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे। वहीं नवी मुंबई बेलापुर के शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरे ने आलेख पुस्तिका की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। शिवसेना जिला शाखा जिला 35 वर्ष पूर्ण झाली। आज अपन पाहतो की नवी मुंबई मध्ये शिवसेनेच्या वतीने जोश आहे। शिवसेना आज सत्तेवरती उद्या बसेल अशा प्रकारची परिस्थिती नवी मुंबई मध्ये शिवसैनिकांनी निर्माण केली आहे। कार्यकर्त्यांना या गोष्टीचा खूप आनंद झालेला आहे आणि सर्वात मोठी गोष्ट कि देवीच्या सानिध्यात देवीच्या पायाजवळ आम्ही या ठिकाणी आज शिंदे साहेबांच्या हस्ते त्यांच्या कार्य अहवालाचं जे प्रकाशित झालं त्यामुळे शिवसैनिकांना खूप मोठा आनंद झाला। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।